शवों के बीच अपनों को ढूंढने का दर्द, उम्मीद उन्हें कम से कम आखिरी बार देखने की। मालदा की सीमा चौधरी को अपने पति दीपांकर मंडल की तलाश है। कहाँ कहाँ देखा है? सब हॉस्पिटल देख लिया, भूमन सर जाएगा। पता चला यहाँ? नहीं, जो भी में कुछ नहीं पता चला। बॉडी चेक किया, वो भी नहीं पता चला। छोटे छोटे गांवों इलाकों के रहने वाले इन आम लोगों के लिए ट्रेन यात्रा का सबसे आसान साधन है। बालासोर में ये एक बिजनेस पार्क है। एक्सीडेंट में जो मृत लोग थे उनके जो शव हैं उनको यहाँ पर लाया गया ताकि जो रिश्तेदार हैं जो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं वो यहाँ पर आएं और शवों की पहचान कर पाएं। यहाँ पर लोगों की मदद के लिए अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं, लेकिन जो रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर आना और शवों की पहचान करना वो आसान काम नहीं है। एक्सीडेंट के ठीक बाद बहुत से शवों को अंदर इसी हॉल में रखा गया था। फर्श पर बिछी काली पॉलिथीन पर पिघल चुकी बर्फ में भीगा ये पर्स, ये झोले और कपड़े जिनके थे अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। यहाँ का मंजर ऐसा है कि बहुत सी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। हॉल की दूसरी ओर लगे इस प्रोजेक्टर स्क्रीन पर शवों की तस्वीरें चल रही हैं। अपनों की पहचान के लिए परिवार उन तस्वीरों को एक टक देख रहे हैं। पहचान में मदद के लिए बगल की मेज पर ऐसी कुछ और तस्वीरें रखी हैं। ये उन लोगों की हैं जिनके शव यहां लाए गए लेकिन अब उन्हें हटाकर बाहर के अस्पतालों में ले जाया गया है। प्रोसेस जो है यहाँ पे जो डेड बॉडी सारे जगह से जो रेस्क्यू किया था यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ से मूव हुए हैं डिफरेंट हॉस्पिटल को। तो डिफरेंट हॉस्पिटल को जो मूव हुआ है उसका डिटेल्स हम मेंटेन कर रहे हैं, तो जो रिलेटिव्स आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो हॉस्पिटल को जाके अपना डेड बॉडी ले सकते हैं। बस वो प्रोसीड्योर हम मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ से हॉस्पिटल्स, यहाँ से बॉडीज को मूव करने की क्या वजह थी? यहाँ पे उतना दिन रखने के लिए, बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था, तो वहाँ पे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है भुवनेश्वर में, इसीलिए वहाँ पे लेके। सुमित कुमार इन्हीं तस्वीरों में अपनी बुआ के लड़के नीरज कुमार की तलाश कर रहे हैं। बॉडी मिला नहीं, हमने यहाँ पूरा सर्च किया तो ये फोटो में इनका दिखा गया, तो फिर मैंने पूरे बॉडी को 250 बॉडी था जिसको मैंने पूरा टच किया, तो और आगे से मुल्ले से निकाल के कुछ भुवनेश्वर ले जा रहे थे। तो उस क्रम में सर इसका फिर हमने सोचा कि अब नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं इनको बताया कि हमारा बताइए कहाँ गया बीएनजी भाई, तो बोल रहे हैं कि अभी मैं देखता हूँ लेकिन उसमें कहीं मिल नहीं रहा है। कितनी देर से आप सर? कल शाम से ढूंढ रहे हैं, अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि किस हॉस्पिटल में। हाँ जी जी जी, बोल रहे भुवनेश्वर 6 हॉस्पिटल गए हैं लेकिन यहाँ डिस्पैच करते हैं प्रत्येक का एम्बुलेंस नंबर के द्वारा कि यहाँ भेजा गया है, लेकिन इसका कहीं पता ही नहीं चल रहा है कहाँ दिया गया है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनों को ढूंढने, उनकी पहचान करने, उन्हें वापस घर ले जाने आ रहे हैं। सुब्रत मुखी कई घंटों से लगातार शवों को गाड़ियों एम्बुलेंस में रखने में मदद कर रहे हैं। कल की रात 8 बजे से हम लोग आए हैं और परेशानी तो नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, हम कष्ट लग रहा है, आंसू आँख से निकलता है थोड़ा थोड़ा। हम लोग का भी कोई जब रहता दुख लगता है, उसका गाड़ियाँ आ रहे हैं, कोई देखता है तो बोलता है मोर छुआ को देखी जो ओडिया में बोल रहा है, कोई बंगला में बोल रहा है, कोई तामिल में बोल रहा है, जी जो समझ में आ रहा है वही तो हम लोग बोल रहे हैं। प्रशासन के लिए चुनौती बड़ी है। जो परिवार बाहर के राज्यों से आए हैं, जिनके लिए ये जगह नई है, उनके लिए ये अनुभव और मुश्किल है। ये संतुष्ट है, ऐसे तो ठीक है उन्होंने किया है, बट ये अगर टाउन के अंदर होता और भी अच्छी रहती, क्योंकि बस स्टैंड आपका रेलवे स्टेशन सब तरह कम्युनिकेशन टाउन के अंदर ही है, ये टाउन से थोड़ा दूर है, तो उसी लिए थोड़ा अगर टाउन के अंदर ही ये सुविधा कर देती और भी अच्छा होती, तब जाके उनको एक आइडेंटिफिकेशन दे देते और वो सीधा चले आते, आके यहाँ से अपना बॉडी निकाल सकते थे। अभी क्या है, इसमें से बहुत जन आ रहे हैं बट उनको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सब बॉडीज एक एक करके देखना पड़ रहा है, तो बहुत दुखदायक है वो। यहाँ आम आदमी से लेकर एनजीओ अधिकारी सभी यात्रियों की मदद में जुटे हैं, लेकिन जिनके साथ ये हादसा गुजरा वो शायद ही
अपने दर्द को भूल पाएं। विनीत खरे और शाद मिधत, BBC बालासोर।